हेलो फ्रेंड्स, नानी कौर के किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सरसों का साग। सरसों का साग बनाने से पहले हम अपने फार्म पे चलते हैं और देखते हैं कि सरसों कैसे ग्रो की जाती है। अब हम अपने फार्म हाउस पे हैं और देखिए सरसों ऐसे लगती है। अब हम देखते हैं सरसों कैसे काटी जाती है। रामतर काट के दिखाना जरा सरसों। आप यहाँ पे रख सकते हैं काट के। हाँ, यहाँ पे रख दो। आपने देखा कितने बड़े पत्ते हैं और ये कितनी अच्छी तरह से कटे जा रहे हैं। लॉट्स ऑफ ग्रीन्स। सरसों का साग पंजाबीज बहुत पसंद करते हैं और विंटर्स में ये हर घर में बहुत बनाया जाता है। आइए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। 500 ग्राम्स सरसों लीव्स वॉश्ड एंड चॉप्ड, 250 ग्राम्स स्पिनच लीव्स वॉश्ड एंड चॉप्ड, 125 ग्राम्स बथुआ वॉश्ड एंड चॉप्ड, 2 टीस्पून्स जिंजर गार्लिक फाइनली चॉप्ड, 2 ग्रीन चिलीज चॉप्ड, 2 teaspoons salt level, 1 cup water. अब हम गैस ऑन करते हैं। इसके ऊपर हम कुकर रखते हैं और इसमें हम सरसों के लीव्स डालते हैं। अब इसमें हम स्पिनच लीव्स डाल देते हैं, पालक। अब इसमें बाथू डालते हैं। अब इसमें हम जिंजर गार्लिक डालते हैं। और अब हम डालते हैं ग्रीन चिलीज। सॉल्ट एंड वाटर। अब इसको हम बंद कर देते हैं और जब फर्स्ट विसल आएगी तो इसको हम सिम कर देंगे और उसके बाद हम इसको 15 मिनट्स के लिए स्टेडी स्टीम देंगे। अब देखिए स्टीम आ गया है फर्स्ट विसल। गैस को हम सिम कर देते हैं और अब हम इसको स्टेडी स्टीम देंगे फॉर 15 मिनट्स। अब फ्रेंड्स 15 मिनट्स हो गए हैं और कुकर को उतार देते हैं। गैस बंद कर देते हैं एंड वी विल लेट द स्टीम ड्रॉप बाय इटसेल्फ। अब फ्रेंड्स इसका स्टीम ड्रॉप हो गया है। देखिए अब इसको खोल के देखते हैं। आप देखिए, कम क्लोजर एंड हैव अ लुक। अब ये कूल हो गया है और अब हम इसको कोर्सली ग्राइंड करते हैं। हम ब्लेंडर के साथ इसको पल्स ग्राइंड करेंगे। थोड़ी थोड़ी जगह पे इसको हम ब्लेंडर को चलाएंगे और फ्रेंड्स ऐसे ग्राइंड करने को बोलते हैं टू पल्स ग्राइंड इट।
और अगर हम इसको रेगुलर एस के साथ ग्राइंड करेंगे तो ये बहुत ज्यादा ग्राइंड हो जाएगा और हमें ये चाहिए कोर्सली ग्राउंड। अब देखिए ये कैसे ग्राइंड हुआ है, कोर्सली ग्राउंड है। अब हम इसमें 2.5 टेबलस्पून मक्की का आटा जो कि कॉर्न मील होता है वो डालेंगे और उसको मिक्स करेंगे। दिस वॉज 2.5 टेबलस्पून्स। अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। दिस मेजरमेंट ऑफ 2.5 टेबलस्पून इज 1/4 कप। अब इसको हम 10 मिनट्स के लिए कुक करेंगे। गैस ऑन करेंगे और इसको इसके ऊपर रखेंगे और इसको बीच बीच में स्टर करते जाएंगे। लेट इट कुक, लीव इट फॉर अ वाइल एंड देन स्टर एंड वी हैव टू डू इट फॉर 10 मिनट्स। अब 5 मिनट्स हो गए हैं और बीच बीच में मैं इसको स्टर कर रही हूं। नाउ इट इज 10 मिनट्स फ्रेंड्स एंड दिस इज रेडी एंड वी विल पुट इट हियर एंड वी विल मेक इट टेम्परिंग। गैस ऑन करते हैं। इसमें हम डालते हैं 1 टेबलस्पून ऑफ देसी घी, 2 टेबलस्पून्स ऑफ सोया ऑयल। आप कोई भी रिफाइंड ऑयल यूज कर सकते हैं और इसको हम गर्म करते हैं। अब इसमें हम 3 होल रेड चिलीज डालेंगे और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे और इसको जल्दी से निकाल लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर चॉप्ड, 1 टेबलस्पून गार्लिक चॉप्ड और इसको हम थोड़ा सा स्टर फ्राई करेंगे। गैस को थोड़ा तेज कर लेंगे। इसको फ्रेंड्स हम हल्का पिंक होने तक फ्राई करेंगे। अब ये ब्राउन हो गया है थोड़ा सा गोल्डन और इसमें हम 2 अनियंस डालेंगे चॉप्ड एंड 2 अनियंस आर अबाउट 100 ग्राम्स और इसको हम फ्राई करेंगे। अब देखिए ये हो गया है, दिस इज गोल्डन ब्राउन एंड वी विल पुट 2 टोमेटोज विच इज 100 ग्राम्स चॉप्ड। And along with this, we will put 2 chilies chopped and we will cook it. अब टोमेटोज कुक हो गए हैं और इन्होंने अपना ऑयल भी छोड़ दिया है, घी भी छोड़ दिया है और हम ऐसे करेंगे कि आधा तो इसमें डाल देंगे साग में,
सरसों के साग में और मिक्स कर देंगे टेम्परिंग को और आधी इसके ऊपर डालेंगे। गैस बंद कर देते और हाफ टेम्परिंग हम साग के बीच में डाल के मिक्स कर देते हैं। अब इसको हम डिश में डाल देते हैं। अब इसको हमने डिश में डाल दिया है और इसके ऊपर हम डालेंगे बाकी की टेम्परिंग। अब इसके ऊपर हम बटर डाल देंगे, थोड़ा सा, जस्ट अ डॉलप ऑफ बटर। और इसको हम गार्निश कर देंगे जो हमने रेड चिलीज को पहले फ्राई किया था उसके साथ। लीजिए, सरसों का साग तैयार है। इसको आप मक्की की रोटी के साथ सर्व कीजिए।